अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 3 की पोएम अप एंड डाउन करेंगे। आज हम उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अप एंड डाउन मतलब के ऊपर और नीचे, तो हम इसकी मीनिंग्स पे चलते हैं। अगेन वंस मोर मतलब के दोबारा। बॉटम द लोवेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा। वॉच आउट टू लुक केयरफुली एंड बी रेडी फॉर समथिंग डेंजरस। वॉच आउट मतलब कि ध्यान से, कोई भी किसी भी खतरे के लिए आप रेडी रहें और उसको ध्यान से करें। तो हम अपनी पोएम की रीडिंग की तरफ चलते हैं। हॉपिटी हॉपिटी हॉप 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 मतलब के हॉपिटी हॉपटी मतलब के कूदो कूदो कूदो। ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, पूरा रास्ता ऊपर। टू द टॉप 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 मतलब के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉप करते हुए ऊपर जा रही है। कहाँ? टू द टॉप ऑफ दिस स्टेयर्स। डाउन अगेन स्किप 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 मतलब के वापस नीचे स्किप 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 मतलब कि देखिए यहाँ पे जब ये बच्चे ऊपर पहुँच गए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर नीचे आ रहे हैं। वॉच आउट गो स्लो और यू स्लिप स्लिप स्लिप, उनका कि आप ध्यान से और आहिस्ता जाओ वरना तो तुम गिर जाओगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा गिर गया है, वो इसलिए कह रहे हैं वॉच आउट मतलब कि ध्यान से और आहिस्ता आहिस्ता जाओ वरना तो तुम गिर जाओगे। हॉपिटी हॉपिटी हॉप 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 हॉपिटी हॉपिटी, इन्होंने ये हॉप से एक वर्ड निकाला है। और कूदो कूदो कूदो। ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, पूरा रास्ता ऊपर। टू द टॉप 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 मतलब कि ऊपर ऊपर ऊपर। डाउन अगेन जंप जंप जंप, फिर उन्होंने कहा कि डाउन अगेन मतलब कि वापस नीचे कूदो कूदो कूदो। डोंट फॉल टू द बॉटम बम्प बम्प बम्प, उन्होंने कहा कि नीचे ज़मीन पर ना गिर जाना या किसी चीज़ के नीचे ना गिर जाना। बम्प 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 मतलब कि चोट लगने की आवाज़ जब आती है तो हम कहते हैं बम्प या फिर बैश, तो ये वैसे वर्ड यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इसकी फर्दर वर्ड्स मीनिंग वगैरह की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको अपने इस चैप्टर का टाइटल पेज, इस अपनी पोएम का टाइटल पेज बना देना है और फिर अपना वो वर्ड को कॉपी डाउन करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी फर्दर वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलेंगे अपनी पोएम अप एंड डाउन की। तो हमारा पहला वर्ड है अगैन, जिसका मतलब है वंस मोर, और इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? दोबारा। आपको अपना ये सारा काम ऐसे ही करना है जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब के वर्ड्स मीनिंग और उर्दू के आप तीन कॉलम्स बनाएंगे और फिर से अच्छे से सफाई से लिखेंगे। हमारा सेकंड वर्ड है बॉटम, जिसके मतलब है द लोवेस्ट पार्ट, किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा। इसको हम उर्दू में कहते हैं नीचे। हमारा थर्ड वर्ड है वॉच आउट, जिसका मतलब है बी केयरफुल, लुक केयरफुली या बी केयरफुल, और इसके हम उर्दू में कहते हैं ध्यान से देखना। अब हम अपने डिक्टेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड होगा। तो हॉपिटी स्किप जंप डाउन वॉच आउट बॉटम अगेन स्लिप बम। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है Who do you think is speaking in the poem? तो आपको क्या लगता है कि पोएम में कौन बात कर रहा है? तो हमारा इसका आंसर है द पोएट निकोलस हाउसबर्ग। हमारे इसमें जो पोएट है निकोलस हॉर्सबर्ग, वो जो है अपनी इस पोएम में बोल रहे हैं। Who is climbing the steps? स्टेप्स कौन चढ़ रहा है? द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस है वो स्टेप चल रहे हैं। How are the steps climbed? ये जो steps है वो कैसे वो लोग चढ़ रहे हैं? By hopping to the top, ऊपर की तरफ jump 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 करते करते वो लोग जा रहे हैं ऊपर। How do the children come down the steps? Children जो है कैसे नीचे आए? So the children जो है वो नीचे कूद कूद कर आए हैं By jumping. What should the children be careful about? Children's को जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं गेम, उनको किस बात के लिए केयरफुल होना है या किस बात के लिए उन्हें ध्यान रखना है, किस बात का? They should be careful about not falling down. उन्हें किस बारे में केयरफुल होना चाहिए? उन्हें केयरफुल होना चाहिए कि वो वापस ना गिरे या फिर वो नीचे ना गिरे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर
यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो हमें इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर की मदद से जो है हमें अपनी ये जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल आउट करना है। तो मेरी पहली ब्लैंक है द बॉय एंड गर्ल आर, जो लड़का और लड़की हैं वो क्या कर रहे हैं। सो द बॉय एंड गर्ल आर जंपिंग, वो जंप कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे द बॉय एंड गर्ल आर जंपिंग। हमारा नेक्स्ट है द हॉर्स इज डैश ओवर द गेट, घोड़ा जो है क्या कर रहा है गेट से। सो द हॉर्स इज हॉपिंग ओवर द गेट जी। तो हमारा नेक्स्ट है द कैट इज क्लाइंबिंग डैश द स्टेयर्स। तो हमारे जब हम हमारी पिक्चर में देखेंगे सो द कैट इज गोइंग अप द स्टेयर्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सो द कैट इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। द माउस इज डैश द स्टेयर्स, हम अपनी इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं हमारा माउस, द माउस इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो द माउस इज रनिंग डाउन द स्टेयर्स, जो हमारा चूहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। द गर्ल ऑन द राइट इज डैश, इस पिक्चर में जो ये गर्ल है राइट में, ये जो लड़की है हमारी इस राइट की तरफ, वो क्या कर रही है। सो द गर्ल ऑन राइट इज स्किपिंग रोप। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सो द गर्ल ऑन राइट इज स्किपिंग जी। तो स्टूडेंट्स हमें हमारा अप एंड डाउन की एक्सरसाइज यहाँ तक ही थी। अब हमें यहाँ तक अपना काम पूरा कंप्लीट रखना है और अपने टाइटल पेज को अच्छे से बनाना है, उसे अच्छे से सजाना है। जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। अपना काम पूरा कंप्लीट रखना है और सफाई से काम करना है। थैंक यू।